बॉल टाइगर से कैप्टन रास्ता के पास। कैप्टन रास्ता ने बॉल पास की है जो को, जो आगे बढ़ रहा है और उसने पास किया है शेख को। शेख को गिरा दिया गया है और रेफरी ने दिखा दिया है येलो कार्ड। सुपर स्ट्राइकर्स को अभी भी दो बड़े मैचेस खेलने बाकी हैं, पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ, और कोच के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। ये क्या, स्ट्राइकर से आसान गोल चूक गया और कोच के चेहरे पर नाराजगी है। ये कैप्टन रास्ता का हेडर और बॉल आई शेख के पास। अब वो किसे पास करेगा? ये क्या है, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना नहीं है मैक, एक बेहतरीन शॉट, गोल। और क्या गोल था, वो भी गेम के खत्म होने से 2 मिनट पहले। कोच गिर गए हैं मैक। क्या कोच? मेरी टीम को कोच करने के लिए एप्लीकेशन मिल गई मिस्टर क्रकोस्की, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सुपर लीग लेवल को कोच कर सकते हो। देखिए मैं, और वैसे भी इस वक्त इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच की जरूरत नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को कम से कम 2 मैचेस के लिए बाहर रहना होगा। क्लब पार्लमेंटरी और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ सुपर स्ट्राइकर्स के होने वाले अगले 2 मैचेस में उन्हें कोच कौन करने वाला है? रुको, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच करना मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, तुम्हें उन्हें नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को कोच करना है। हाँ? पर तुम काम करोगे सिर्फ मेरे लिए। काम वैसे बहुत ही आसान है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स हमारे मैच में बुरी तरह खेले। तो आपके क्या राय है? हाँ, उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर मैंने कहा था कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं जरूरी बात कर रहा था। कोई काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, समझ गए? आपको काम करना भूलना होगा, सुपर स्ट्राइकर्स को भूलना होगा, और आपको कुछ खाना होगा। ये सब आपको खाना है और आप खाओगे। उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर तुम सबने सुना ना, चलो इस क्रकोस्की को यहाँ बुला ही लेते हैं। हाँ, अगर कोच कहते हैं वो अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा ब्लॉक, कोच हमेशा सही होते हैं। ठीक है, उसे बुला लेते हैं। तो ये है मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारी एक ब्रांड न्यू मशीन है, इसका नाम है द मैच मैट। हाँ, बिल्कुल, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो हम प्रैक्टिस शुरू करें। ये है मेरी टीम, ब्लॉक, हमारा गोली बिग बो, शो, फाइटर, टाइगर, जो और शेख। सही ढंग से खेलकर ही हम पाल्मा को हरा सकते हैं। पहले इन्हें पहन लो, साथ में डिफेंस करो, मिडफील्ड में और आगे भी। और मुझे लगता था कोच के तरीके अजीब हैं। फाइटो, रुको! कोच, मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करनी है। कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेनिंग हमारे खेलने के स्टाइल को जरा भी सूट करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बात समझिए, ये ठीक नहीं लग रहा है कोच।
ये बात कहकर तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कोच क्यों कर रहा हूँ? तुम बिना सवाल किए बात मानोगे? मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। कोच, मुझे क्रकाउस्की कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। शेक, हर एक कोच का अपना एक तरीका होता है। तुम्हें उन पर भरोसा रखकर उनके नए आइडियाज को अपनाना होगा। पर वो हमारे स्टाइल को समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी सबसे अजीब टेक्निक्स भी फील्ड पर अच्छे नतीजे देती है। आप सही हैं। थैंक्स कोच। अगर तुम लोग क्रकाउस्की के तरीके से खेलोगे तो पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड दोनों से हार जाओगे। तू सही है स्पेंसा, पर शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि क्रकाउस्की सही हो। तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गुड। हमारी टैक्टिक सुपर स्ट्राइकर्स के हारने की वजह बनेगी। कल वो पाल्मा से हारेंगे और उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड से। सुपर लीग की ट्रॉफी मेरी होकर रहेगी। अजीब ही ढंग से खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका गेम प्लान क्या है। अपनी लाइन में रहो, फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश मत करो। जरा आराम से मिस्टर क्रकाउस्की, कहीं आपको भी हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। रोनाल्डो का गोल, सुपर स्ट्राइकर्स के गोली पिको ने बाल बाल बचा लिया। अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड के सामने हमारा कोई चांस नहीं। शेक, कैप्टन रास्ता और टाइगर आगे बढ़ रहे हैं। इसे शेक को पास करने की कोशिश कर। ये कैप्टन रास्ता को पास, वरना काम। लगता है नए कोच ने कुछ सिखा नहीं पाए हैं। हाँ शायद। अब बॉल पाल्मा वालों के पास है, कहीं सुपर स्ट्राइकर्स के अजीब तरीकों से उन्हें फायदा ना हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यकीन करना मुश्किल है कि यही वो टीम है जो इस साल टाइटल जीतने का दावा कर रही थी। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स क्लब पार्लमेंटियरी से 2 गोल से हार गए हैं। अगर सुपर स्ट्राइकर्स सुपर लीग टाइटल में बने रहना चाहते हैं तो क्रकाउस्की को यूनाइटेड वाले गेम के लिए कड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, गेम में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम इतना भी बुरा नहीं खेले। आज हम फील्ड पर 9 सिक्के की तरह खेल रहे थे। जेंटलमैन, तुम्हारे नए कोच की हैसियत से मेरा ये वादा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड से मुकाबले के पहले हम अपनी नई स्टाइल में माहिर हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हम कल के कल करेंगे। बिल्कुल नहीं, कल कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम सबने आज काफी खेल लिया, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। हाय शेख, दिन बुरा रहा? हाँ, सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ।
मेरे ख्याल से क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। जल्दी से सबूत जमा कर और कोच तक पहुँचा दे। नो प्रॉब्लम, जासूस पेंजा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। स्पेंजा, अब वक्त नहीं बचा है, मैच आज ही है। कह दे कि तुझे सबूत मिल गए हैं। शेख, मैं दो दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ और मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। जरा एक मिनट शेख, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा काम किया, कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही बुरा खेलें जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था, ताकि हम जीत जाएं। पकड़ा गया। तेरी तो मुझे वापस दे। देखो मैं तो बच गया। ये आवाज तो वहां से आई है। अच्छा बदमाशो, मुझे एक कोच तक पहुंचाना होगा। मैच का दिन आ गया है, सभी ये जानने को बेताब हैं कि अपने पुराने दुश्मन इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है या नहीं। मेरा प्लान काम कर गया है। मिस्टर क्रकाउस्की ने इनके कोच की सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। आज तो हम ही जीतेंगे। सही कहा। उम्मीद है क्रकाउस्की ने सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक बेहतरीन गेम प्लान बनाया होगा। ठीक है बॉयज, तैयार हो जाओ, वो दिन आ गया। पिछला मैच तो तुम हार गए थे, इसलिए इस बार मेरे कहे मुताबिक ही चलना, नहीं तो। ऐसा लगता है सुपर स्ट्राइकर्स वाले आज गोंद लगाकर आए हैं, तभी चिपक कर खेल रहे हैं। और मैच फिर से शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। वापस अपने लाइन में जाओ। कैप्टन आगे बढ़ते हुए, देख लिया, अगर तुमने फॉर्मेशन नहीं तोड़ा होता तो उस बॉल को रोक पाते। वो करीब रहकर खेल रहे हैं, बॉल को बाहर की तरफ ले जाओ। और ये बहुत ही बेहतरीन पास, लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड गोल करके रहेंगे। स्कारा ने शॉट लगाया, स्कारा का बेहतरीन गोल और इनविंसिबल यूनाइटेड ने खाता खोल दिया। सुनो कैप्टन रास्ता, अगर तुमने फिर फॉर्मेशन तोड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कैप्टन, लगता है क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है। जानता हूं दोस्त, और मेरे पास उसका बिल्कुल सही इलाज है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। हा? अरे हाँ कोच, ये मैं हूँ स्पेंजा। शेख ने कहा था मुझे ये आप तक पहुंचाना है फौरन। अच्छा काम किया शेख, कोशिश करना ये। अगर वो इसी फॉर्मेशन में खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड उनकी बैंड बजा देंगे। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इसमें टीम के लिए नए मूव्स और फॉर्मेशन है, इन्हें जल्द से जल्द कैप्टन रास्ता तक पहुंचा दो। हमारा पूरा मैच इसी पर निर्भर है। बस अभी लो कोच, जासूस पेंजा सुपर स्ट्राइकर्स को बचाने के लिए आ रहा है। रुको, रुको। अरे टीवी, हमारा मैच। मुझे पता है ये बहुत जरूरी मैच है और आप राहत भी महसूस कर रहे हैं, देखने में बुराई क्या है। हुँ?
इस दरवाजे को खोलो जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कोच। हाँ, दरवाजा जाम हो गया है। मुझे अंदर आने दो। खोलो। हेलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ, कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ देने आया हूँ। देने आए हो? ओ, ये क्या पागलपन है। कोच की तरफ से छोटा सा तोहफा। मेरे वाले की इंक क्यों फैली है? शेख बिल्कुल सही समझ रहा था, क्रकाउस्की इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए काम कर रहा है। अब इस कोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, अब वक्त है अपने तरीके से खेलने का, सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। तो अब ये मैच खत्म होने के बाद मैं तुम सबको एक मजेदार फिल्म दिखाऊंगा दोस्तों। सॉरी, आप अंदर नहीं आ पाए कोच। सचमुच वो दरवाजा तो चिपक ही गया था। फिक्र मत कीजिए कोच, मैंने उन्हें लाइन में रहने के लिए कह दिया है। प्लान के मुताबिक ही खेलो वरना मेरी खैर नहीं, मेरा मतलब हमारी खैर नहीं। पीछे जाओ। और ये मैच शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास, अब जाकर सुपर स्ट्राइकर असली जलवा दिखा रहे हैं। अब ये पूरी तरह जुट गए हैं। और ये जो की बढ़िया किक और फाइटर का बेहतरीन शॉट, गोल। गोल के अंदर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। टाई के लिए एक और जीतने के लिए उन्हें दो गोल की जरूरत है। ये ब्लॉक ने पास दिया। पर अगर तुम ऐसा करो। करते हैं कोच, हमें मालूम है। हमेशा साथ रहना और अपने दिल की सुनना। क्रकाउस्की के रहते हुए मैं अपने दिल की बात नहीं सुन सकता, लेकिन अगर बस कुछ देर और दोस्तों, वो टूटेगा। बस तुम सब देखते जाओ। क्या कर रहे हो? मैंने कहा कोच पीछे जाओ। शेख, आखिर तुम क्या कर रहे? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ आप बाहर बैठकर ही मैच देख लीजिए कोच। पहली बार किसी कोच को बाहर निकाला गया है मैक। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी शायद एक बार तुम शेख ने जो को पास किया। अब वक्त आ गया है। गोल! अपनी बढ़िया हेडिंग से शेख ने टाई को तोड़ दिया है। सुपर स्ट्राइकर ने अपने दुश्मन को तीन गोल से हरा दिया है। You are fired. जरा रुको, ये देखो। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स इतना अच्छा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था। हम जीत जाएं। ओहो, तो ये एक साजिश थी। जवाब वापसी है। हम ये हमारे कोच के बिना नहीं कर पाते। क्रकाउस्की के साथ तो तुम्हारी बन नहीं रही थी ना? ये क्रकाउस्की ने नहीं किया है, ये आपने किया। एक ही हफ्ते में सुपर स्ट्राइकर्स की कमजोरी ढूंढकर उसे और भी बदतर बनाना है। सुपर स्ट्राइकर्स आज भी जीतने का इरादा लेकर आए हैं।
बॉल पर उन्हीं का कब्जा है, लेकिन वो अब तक एक ही गोल बना पाए हैं। मैच खत्म होने से पहले क्या सामिंग बराबरी पर आ पाएंगे? क्या डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? ये क्या हुआ? लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। क्या ब्लॉक बॉल तक पहुंच पाएगा? और बॉल सैमोली के पास, नहीं, ब्लॉक ने उसे ब्लॉक किया। क्या शॉ उस तक पहुंच पाएगा? सामिंग का गोल। इस मैच के ड्रॉ होने से सुपर स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट लीग पॉइंट्स हाथ से निकल गए। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ होने वाला मैच काफी खड़ा होगा। लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के मिसकम्युनिकेशन से हम मनाएंगे जीत का जश्न। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता, वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने बुरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेन ज़ेड, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। सुपर स्ट्राइकर्स ने दिखा दिया है कि उनका कम्युनिकेट ना कर पाना उनकी हार है, इसलिए उनके बीच के कम्युनिकेशन को तोड़ कर ही कुछ बात बनेगी। पर कैसे? अगर इस कंप्यूटर की याददाश्त भी मुझ जैसी अच्छी है तो जवाब भी इसी में कहीं छुपा है, और मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्लॉक, तू कर क्या रहा है? हम सब सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर तू अपना लॉकर क्यों खाली कर रहा है? क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त, तू हार नहीं मान सकता। देख, कोच ने हमारे लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग तैयार की है ताकि हम कल की गलती सुधार सकें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम हार गए तो तू टीम छोड़कर जहां जाना चाहे चले जाना। मंजूर? ठीक है। तो अब चल, हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है ब्लॉक। कमाल है, हमें यहाँ क्यों लाया गया? कुछ बढ़िया। दोस्तों, यहाँ कोई डिस्को विस्को होने वाला है क्या? आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं कोच? अभी देखोगे, या शायद नहीं भी। रुको, पीछे पीछे कहाँ चले गए? यस, मिल गया, अजूल और लोकोमोटिव का मैच। मैच के आखिरी 15 मिनट में घने कोहरे की वजह से दोनों टीम ना कुछ देख पाई और ना स्कोर कर पाई। यस, अगर मैं हब में फिर से वही हालात पैदा कर दूं तो हम सुपर स्ट्राइकर्स को जरूर मात दे देंगे। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ मैच में टीम की हैसियत से जीतने के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना सबसे जरूरी होगा। हम अपनी वही गलती फिर से नहीं दोहराने वाले हैं कोच। बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब ध्यान से सुनो, आज हम प्रैक्टिस करते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तुम बिना बोले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कोच, एक बात बताइए, फुटबॉल का इस सबसे क्या लेना देना है? फील्ड पर जब जो तुम्हें बिना बोले पास करने जाता है तो तुम कैसे जान लेते हो? ओ, वो तो आसान है, मैं उसके सिग्नल्स पढ़ता हूँ, अपने हाथ हिलाना, सिर को हिलाना। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। ओ, आपको पता है वहाँ फील्ड पर कितना शोर होता है कोच? क्या इसी तरह का शोर? लगता है जैसे हम इस वक्त फील्ड पर हैं कोच। ओके बॉयज, दिखाओ तुम में कितना दम है। अटैक वर्सेस डिफेंस, जाओ। क्या? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
बहुत अच्छे, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोच, अगर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? सोचो अगर तुम किसी वजह से देख और सुन ना पाओ तो? ऐसा तो कभी होने से रहा कोच। तुम एक दूसरे का गेम जानते हो, कोशिश तो करके देखो। चलो देखें तुमने क्या किया। अरे तुम लोगों को यही चाहिए ना? फिक्र मत कर ब्लॉक, जहाँ भी ये जान ले सब ठीक हो जाएगा। हम सच में अंधेरे में नहीं खेलने वाले हैं। सुपर स्ट्राइकर शुरुआत में भले ही जीत रहे हो, पर जब मौसम बदल जाएगा तब अगर टीम मेट्स ही ना दिखे तो कोई भला कैसे जीते। पर एफसी टेक्निकली को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ सर। बहुत अच्छे, वो कोहरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम सब कैसे देख पाएंगे? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? हाँ। तो जाओ यहाँ से। ये तो जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा होने वाला है। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता, वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेन ज़ेड, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। मैच डे। कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली बात ही नहीं है। सही कह रहे हो। और कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या साइलेंट कम्युनिकेशन, एक दूसरे की तरफ देखना, इशारे समझना, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुन नहीं पाओगे। अब तुम सब ये ईयर प्लग्स पहन लो। सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने कम्युनिकेशन पर काफी काम किया है। अफसोस, वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। गुड लक सुपर स्ट्राइकर्स। चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ये क्या कह रहा है? चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ठीक है, जरूर। हे, चल उन्हें दिखा देते हैं। सारे फैंस के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ब्लॉक आज अपनी टीम का साथ दे पाएगा? और एक खेल फिर से शुरू। फाइटर ने बॉल पास की शेक को, और ये शेक की बढ़िया किक। अब जो और कैप्टन रास्ता के बीच में इशारे चल रहे हैं। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पास किया जो को। ऐसा लगता है जैसे जो वहां डांस कर रहा है। शेक और फाइटर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वाकई कमाल है, मैंने तो उसे इशारा करते हुए भी नहीं देखा। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? वाकई कमाल है। और शेक ने किक मारी। और सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स आपस के इशारों में कह रहे हो, हमें गोल्स चाहिए। बस कुछ देर और सुपर स्ट्राइकर्स,
कुछ देर और। समय बीतता जा रहा है, तो चलिए अब देखते हैं कि डिफेंडर्स क्या कमाल दिखाते हैं। शॉ आगे बढ़े डिफेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें चकमा दिया गया और अब देखते हैं ब्लॉक क्या करते हैं। और ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स ने खुद को साबित कर दिया है, उनका वाकई जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स की सीक्रेट बोली टेक्निकली वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैक इसी को कहते हैं फुटबॉल। कैप्टन रास्ता की बेहतरीन हेडिंग, बॉल जो के पास उसने पास कर दी। ब्लॉक ने बॉल छीन ली और उसे किक मार दी। शॉ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी किक मारी। ब्लॉक की एक और किक, वाव, उसने तो सीधे गोल तक बॉल भेज दी। खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, क्या टेक्निकली कुछ कर पाएंगे? इस वक्त तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आज के लिए इतना मजा काफी है सुपर स्ट्राइकर्स। देखा ब्लॉक, हमने प्रॉब्लम ठीक कर दी, तू कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, अजीब है, 5 मिनट पहले ही तो मौसम बिल्कुल साफ था। बात बन गई, काम हो रहा है। चल दोस्त, ये मैच जीत कर दिखा दे। लेफ्ट में पास करो 12 यार्ड्स पर। मेरे ख्याल से गोल लगता तो है। सुनो मैक, क्या तुमने वो देखा? हाँ मैंने देखा। हाँ वो एक गोल था। टेक्निकली ने अपना खाता खोल लिया है। न जाने उन्हें बॉल कैसे नजर आ रही है। सेकंड हाफ में तो बाजी पलटती जा रही है मैक। तुम में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? रास्ता साफ है, गोल करो अभी। तरफ दो कदम लो, नहीं दूसरी तरफ जाओ अभी। गोल! क्या बात है! देखा मैक, टेक्निकली तो इन हालातों में भी अच्छा खेल रहे हैं। स्कोर टाई हो गया, हम 2 गोल्स कैसे मिस कर गए? हम टेक्निकली अब हारते हारते जीत रहे हैं। अब स्कोर्स बराबरी पर हैं। ऐसे हालात में हम और नहीं खेल सकते, सब अपने लॉकर रूम में इसी वक्त चले जाएं। मुझे मैच ऑफिशियल से इस बारे में जरूरी बात करनी है, हो सकता है कि कोहरा जल्दी हट जाए। मुझे नहीं लगता। सुनो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। हम सबको फोकस्ड रहना होगा। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फोकस कैसे करें? या तो वो मैच रोककर पॉइंट्स को आधे में बांट देंगे, या फिर हमें मैच पूरा करने देंगे। उनकी तो किस्मत ही पलट गई कोच। हाँ, और वो भी कितनी जल्दी। उन्हें बॉल कैसे दिख रही है? हाँ, वो स्कोर कैसे कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो हमें टेक्निकली को हराना ही होगा। अगर हम खेलने वापस जाते हैं तो हमारे पास जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट होंगे। दोस्तों, हमें जरूरत है एक अच्छे प्लान की। नहीं जरा रुको, ब्लॉक के पास एक आइडिया है। हाँ,
ब्रेल, ये भाषा तो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब नंदो? इसका मतलब है गोल। अरे वाह, ये तो कमाल है। ब्लॉक गोल करना चाहता है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। मैं समझ गया। पर इन डॉट्स की बराबरी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए होगा। ये काफी लंबा शॉट है। टेक्निकली गेम खत्म करना चाहते हैं। स्ट्राइकर्स ने क्या सोचा है? चलो बॉयज, तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। ये पगला गए हैं क्या? न जाने वहां नीचे क्या हो रहा है, पर अब मैच खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हो सकता है रेफरी मैच रुकवा दे। वैसे मैक, हमें अब भी नहीं दिख रहा है कि बॉल कहां जा रही है। भीड़ की आवाज तो आ रही है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। हमें बस उनकी पोजीशन जाननी है और फिर ब्लॉक को बॉल देनी है और अपने गोल प्लान पर अमल करना है। समझ गए? अब बाई तरफ जाओ और अब दाई तरफ। अभी वेरी गुड। अब 5 कदम आगे आकर किक कर दो। 1, 2, 3, 4 किक करो। बाई तरफ जाओ, नहीं दाई तरफ 10 कदम लो, नहीं बाई तरफ 23 कदम लो, नहीं रुको। क्या हो रहा है वो लोग, ये कैसे? कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है बॉल शेख के पास है। अब क्या करोगे शेख? अब बॉल किसे पास करोगे? मेरे साथ ब्लॉक है ना? वहां रहना दोस्त। दरअसल वो ब्लॉक है। हाँ, और उसने स्कोर कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। इसे कहते हैं एक सच्चा और अच्छा टीम वर्क। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए। कमाल की बात है कि दोनों टीम इन हालातों में भी अच्छा खेली। हाँ ब्लॉक, ब्रेल में इसका मतलब उल्लू होता है। नहीं, हमें जीतना चाहिए था। नहीं, सच में वो डॉट वाली चीज करके मैच जीतने का आइडिया तो मुझे भी आया था। वाओ, कल के मैच में तो आप सबने कमाल ही कर दिया। वैसे कुछ दिखा नहीं, न्यूज में बताया था कि आपने ये मूव किया, आपने ऐसा किया, शेख ने ऐसा किया और फिर बाय ब्लॉक। बाय दोस्त। अब बस 4 टीम्स ही रह गई हैं। कल इनविंसिबल यूनाइटेड नकामों के साथ खेलेंगी, पर अब हम वापस चलते हैं आज के सेकेंड हाफ पर। देखते हैं कौन होगा पहला फाइनलिस्ट, सुपर स्ट्राइकर्स या बारका। इसे कैप्टन रॉस्टर यू ही नहीं कहा जाता। शेख का बॉल पर बेहतरीन कंट्रोल। और ये गोल, लो फैसला हो गया। सुपर स्ट्राइकर्स फाइनल्स में पहुंच गए हैं। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम फाइनल में आ गए। मैं सुपर लीग फाइनल में खेलने वाला हूँ। जिसका भी फाइनल में स्ट्राइकर्स से सामना होगा, उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। हेलो,
जॉनी। मैं विंस बोल रहा हूँ। विंस? विंस? हाँ, वही विंस। मुझे सुपर लीग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास एक नया इन्वेंशन है जो तुम दिखाने के लिए बेकरार हो, और अब जबकि तुम्हारी टीम सुपर लीग में नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मेरे पास तुम्हारे काम की एक चीज है। ये बॉल रिमोट से चलाई जा सकती है, इसे जमीन के ऊपर भी उछाला जा सकता है, पर सिर्फ तब जब इसका कंट्रोल किसी माहिर शख्स के पास हो, जो कि मैं हूं मिस्टर विंस। नहीं, इसे मैं ही चलाऊंगा, पर अब भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? पहले ये सोचो कि हम इस बॉल को फील्ड पर ले जाकर मैच में शामिल कैसे करेंगे। सही कहा। एक आदमी है जो अपना ये काम कर सकता है। नहीं 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 नहीं, लोगों की तरफ मत देखो, सिर्फ उसकी तरफ किक करो और भागते रहो। कल हम इसे नकामा पर आजमाएंगे। तो क्या बोलता है, फाइनल में हमारे सामने कौन होगा? यूनाइटेड आज जीतने के लिए कोई ना कोई पागलपन तो जरूर करेगा। समझ नहीं आता किसका साथ दूं। नकामा और यूनाइटेड दोनों तगड़ी टीम है। हाँ, पर यूनाइटेड कभी रूल्स फॉलो नहीं करते, वो बहुत ही गंदे प्लेयर्स हैं। असल में गंदगी को इसे कहते हैं यार, कोई तो इसे निकालो यहाँ से। सवाल अब यही है, सुपर लीग फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स का सामना किससे होगा, नकामा से या इनविंसिबल यूनाइटेड से? मिको चेन काफी अच्छा खेल रहा है। हाँ मैक, क्या यूनाइटेड बराबरी कर पाएगा? लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड आज बिना चीटिंग किए ही ये मैच जीतने की कोशिश करने वाले हैं। बस देखते जा। हाँ? ओ, ओ, अरे वो विग और चश्मा पहनकर क्यों आ गया? ओह, बात बननी चाहिए। फाइनल में आने का मौका पाने के लिए इनविंसिबल यूनाइटेड को जल्द ही बराबरी पर आना होगा, पर लगता है इस कारा खेला भूल गया है। ओह, उसने बॉल को बाहर ही भेज दिया। लगता है ये मैच तो नकामा ही जीतेंगे, यूनाइटेड तो गया। इस गेम में सिर्फ यही अजीब बात है कि जिस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड खेल रहे हैं उसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। ओह, क्या कोई बताएगा कि अभी क्या हुआ? मीको चैन ने बॉल सीधे यूनाइटेड को पास कर दी, एक भारी गलती। कारा के सितारे बुलंदी पर हैं। कारा का गोल। वाह, ये बॉल तो कमाल की है, ये तो मेरी वाहवाही करवा रही है। इन्होंने बराबरी कर ली, वो भी गेम के खत्म होने के 5 मिनट पहले। नकामा की इस गलती से सामने वाले की जीत का रास्ता खुल सकता है। स्कारा ने बेकार में ही लॉन्ग शॉट लिया, गोलकीपर रोक लेगा। गोल! इनविंसिबल यूनाइटेड गेम में वापस आ गया है। किस्मत आज उनके साथ है। मजा आ गया। फाइनल के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? फाइनल में तो हम ही जीतेंगे, हम उन सबको कुचल देंगे, बॉल उनके पास भटकेगी भी नहीं। तो फैसला हो गया दोस्तों, अब फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड होंगे आमने सामने। इनविंसिबल यूनाइटेड बिना चीटिंग किए ही जीत गए,
ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आंखें धोखा नहीं खा सकती फाइटर, लेकिन आज के बाद सिर्फ लक ही है जो उन्हें जिता सकता है। सब जानते हैं कि सुपर लीग फाइनल में चीटिंग करना नामुमकिन है, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। कुछ समझ नहीं आया, यूनाइटेड ने नकामों को इतनी आसानी से हराया? वो चीटिंग किए बिना जीत ही नहीं सकते। लेकिन कैसे? हमने पूरा मैच देखा, अगर उन्होंने चीटिंग की है तो हमें फाइनल में बहुत चौकन्ना रहना होगा। लगता है मुझे थोड़ी जासूसी करनी ही होगी। लगता है तू सही है। आज वो दिन है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुपर लीग फाइनल मैच का दिन आ ही गया। जहाँ है वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आज का दिन फिर नहीं आने वाला। आखिर कौन जानता था सुपर लीग हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने ले आएगा। मुझे पता है इनविंसिबल यूनाइटेड पर भरोसा नहीं कर सकते, पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और हम सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज उनकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। वैसे भी चाहे इनविंसिबल यूनाइटेड हमारे आगे कोई भी अड़ंगे डाले, हम किसी भी कीमत पर नहीं हारने वाले, क्योंकि हम हैं एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। अब सब कुछ इसी मैच पर है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम सिर्फ टारगेट पर नजर रखना, समझ गए ना? हाँ समझ गया। इसी के साथ सुपर लीग फाइनल शुरू हो चुका है। जीत किसकी होगी, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड की? कैप्टन रास्ता ने खेल की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। जो बेहतरीन पास देते हुए, बहुत अच्छे, इनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद थी। गजब का बॉल कंट्रोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो जैसे जीतने के लिए ही आए हैं। मैंने बोला ना यार, आज तो हम ही जीतेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़, नकामा भी उनके मैच में स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड अचानक अच्छा खेलने लगे। तब तो हमें बहुत सारे गोल करने होंगे, है ना? अरे यार, आंखें खोल कर खेला करना, तुझे मेरी चाल समझ में नहीं आई क्या? जो कदम से कदम नहीं मिला पाता वो तुम्हारे तरफ पीछे रह जाता है। तुम्हें अगर मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है तो आई एम सॉरी। स्कोर अब भी बराबरी पर है। ऐसा फाइनल तो पहले कभी भी नहीं खेला गया होगा, और मुझे लगता है दुनिया भर के लीग फैंस मुझसे अग्री करेंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स अब कोई जलवा दिखा कर ही रहेंगे। फाइटर की बेहतरीन किक, और ये गोल, सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। मेरा जवाब नहीं, मेरा मतलब आप सबका जवाब नहीं।
स्ट्राइकर्स। सुपर स्ट्राइकर्स अपना कमाल दिखाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यूनाइटेड की गेम पर से पकड़ छूटती ही जा रही है। पकड़ थी कब तो छूटेगी। ओ तुम भी ना, हर बात की खाल मत निकाला करो। की तरफ बढ़ रही है, देखते हैं वो कोई कमाल दिखा पाता है या नहीं। और ये शेख का बेहतरीन पैतरा, समझ में नहीं आता स्कारा क्या करना चाहता। शायद उस काउबॉय हैट वाले बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है। वो देखो, ये मेरी है। लगता है सभी सुपर लीग फाइनल मैच बॉल को छूना चाहते हैं। वाओ, काश मेरे पास भी वैसा एक होता तो। सुपर फाइनल मैच फिर से शुरू हो गया। लगता है शेख उस पास को समझ ही नहीं पाया। बॉल फाइटर के पास, बॉल उसके पास नहीं है। दोनों टीम अब पहले से उल्टा खेल रही हैं। अब इनविंसिबल यूनाइटेड वाले ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। वो बॉल पर पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। वो तो उसे छू भी नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है जो, पर वो चीटिंग करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने गेम पर ध्यान रखना है और बेहतरीन खेलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और शेख के पास। नहीं, अब नहीं है। पर कैप्टन रास्ता ने उसे संभाल लिया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये फाइटर क्या कर रहा है? ये बॉल ऐसे कैसे कर सकती है? स्कारा की अच्छी कोशिश, पर शॉट सही नहीं लगा। फिर भी गोली बिग बो उसे रोक नहीं पाया। स्कारा अपनी टीम को फिर से गेम में ले आया। लगता है वो बॉल अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने पहले कभी ऐसा पैतरा मैच में नहीं देखा है। बड़ी पुरानी किक है, डिलेड राइजिंग स्पिन किक। वो बंदा आखिर कर क्या रहा है? ओ तेरी, वो तो बॉल को कंट्रोल कर रहा है। लगता है आज किस्मत इनविंसिबल यूनाइटेड पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है जैसे बॉल इनविंसिबल यूनाइटेड वालों के पैरों तक खींची चली जा रही है। ओहो, लगता है अब दोनों टीम्स के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। ये क्या? कैसे? कैसे? हाँ?
वो आखिर कर क्या रहा है? कौन? स्पिन्ज़ा। ये तो एक पैतरा है, वो तो मैंने ही उसे सिखाया था, जरा उसे देखो तो। हाँ, लगता है शेख का सब्र टूट गया है। ऊप्स, उसने तो पॉल टनल में भेज दी। ऊप्स, रुको, पकड़ लिया। रेफरी एक नई मैच बॉल चुन रहा है मैक। मुझे भी यही लग रहा है, वो पिछली वाली कहीं मिल ही नहीं रही। ये वो बॉल नहीं है। ये एक ऑफिशियल बॉल है और ये सारी एक जैसी होती हैं। तुम्हें बस इसे किक करना है। कहाँ चला गया वो? अरे हाँ, वही इन्वेंटर। तुम तो गए वन। इससे अजीब मैच मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोनों टीम्स अच्छा भी खेली और बुरा भी। स्ट्राइकर्स के चाहने वाले एक गोल के लिए बेकरार हैं, जिससे उनकी टीम आगे जा सके। एक्स्ट्रा टाइम का भी एक ही मिनट बचा है, इसमें स्कारा कोई कमाल कर पाएगा? ब्लॉक कर दिया है। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स के काबू में है ये मैच। कैप्टन रॉस्टर बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सीजन में जिस टीम से चाहने वालों को प्यार हुआ था वो लौट आई है। बेहतरीन किक, फाइटर वहीं पर खड़ा है। इस शेख के पास अब मामला शेख और कीपर के बीच है। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। शेख ने अपना कमाल दिखा ही दिया। सुपर लीग चैंपियंस हैं सुपर स्ट्राइकर्स। क्या बात है! सुनने में अच्छा लगता है। यस yes! हमारा जवाब नहीं दोस्त। उस बॉल को आखिर हुआ क्या था? हाँ, मुझे तो लगा किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया था। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम बस ध्यान से खेलेंगे तो जीत जाएंगे। पता है, वो रिमोट कंट्रोल से बॉल को चला रहे थे। क्या? ये कैसे हो सकता है शेख? हाँ? वो इन्वेंटर टोनी वन। पर वो भला यहाँ क्यों आएगा? सुनने में ये आया है कि एक रिमोट कंट्रोल बॉल इस्तेमाल हो रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं जानता था मैं इतना बुरा कभी नहीं खेल सकता। ये नहीं हो सकता, भला ऐसा काम कौन कर सकता है? ये तो सरासर चीटिंग हुई। हे, किसने मारा मुझे? किसी ने नहीं। मैच खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और दोनों टीम सब भी बराबरी पर हैं। भास्कर फाइटर, फाइटर का बेहतरीन शॉट, तेजी से आगे बढ़ते हुए। मैं तैयार हूँ। ओए बॉल भास्कर, बहुत ही बढ़िया किक। शेख और जो तो बस देखते ही रह गए। और अब फिर से एक बार फाइटर आगे बढ़ते हुए, भास्कर फाइटर उसके साथ में है।
दोनों पास मांग रहे हैं, लेकिन फाइटर ने गोली किक मारी और ये बॉल सीधा गोली के हाथ में। लगता है फाइटर बस अकेले ही पूरा मैच खेलना चाहता है। ये खुदगर्जी तो इसकी टीम पर काफी भारी पड़ सकती है। और ये फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो गया है। और फाइटर क्या कर रहा है? जो पहले स्कोर करेगा उसी की जीत होगी। ओहो, फाइटर ने बॉल शेक को देने का इशारा तो किया पर उसने अपनी बात पर अमल नहीं किया। अरे यार, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं टीम के बारे में भी सोचो। मैं तो बस गोल्स करने के बारे में ही सोचता हूँ। शो का बेहतरीन पास, बॉल शेक के पास आई, शेक ने फाइटर को दे दी और ये शानदार किक बॉल गोल के ऊपर से चली गई। ओहो, एक और मिस चांस। तू आखिर बॉल को पास क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं, ऐसे खेलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। अगर फाइटर स्कोर नहीं कर सकता तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। ऐसा नहीं चलेगा तो फील्ड छोड़ के चला जाए। इससे बॉल चली गई है। फाइटर, गेम में ध्यान दो। ये फुटबॉल नहीं टेबल टेनिस लगता है जिसमें सुपर स्ट्राइकर्स नेट है। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के आज के खराब परफॉर्मेंस की, जिसका कारण था फाइटर। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी, स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें ताकि शायद उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। शेख, मेरे ऑफिस में अभी आओ। कोच आखिर शेख से नाराज क्यों है? एक्चुअली टीम की असली प्रॉब्लम तो फाइटर का बड़ा सिर है। हम इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ। दोस्त, आज तेरा गेम बहुत ही बकवास था। तेरे बकवास गेम की वजह से ही आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समझ में आया? दोस्त, अगर तू हर गेम में मेरा काम मुश्किल करने वाला है तो मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम और शेख एक साथ कुछ करो। हाँ? तुम दोनों ओवरसीज जाओगे मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए। ओ, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क? नहीं, सोलिनीजिया। वाह, एक तो खराब खेलो और बाहर घूमने जाओ। पर कोच, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी, स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें। हम पहुंचे या नहीं? नहीं, 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। हम पहुंचे या नहीं? नहीं। वैसे इस सोलनीजिया में ऐसा स्पेशल क्या है? कोच मुझे वहाँ भेज कर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सोलनीजिया चिनलॉन का घर है। अब मेरी समझ में आ गया, हम सोलनीजिया कोच के दोस्त चिनलॉन से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, फाइटर को अब लाइन पर लाने का काम तुम्हारा है। सुपर स्ट्राइकर्स, हमने सुना है आप मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पर याद रहे, सोलनीजिया में फुटबॉल बैंड है, इसलिए यहाँ पर खेलने की गलती मत करना। जी बिल्कुल सर। दरअसल हम तो यहाँ पर खेलने हम चलते हैं ऑफिसर्स। चलना क्या है यार? और कोच ने कहा है कि चिनलॉन में बाहर वालों के लिए आना मना है। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, हम तो आम लोगों के साथ रहेंगे। क्या कहा? आम लोगों के साथ? ये तो गंदी बात है। नहीं, ये गंदी बात है। आ।
हम पहुंचे या नहीं। Chinlon! क्या तुम शेख हो? ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? दरअसल मैं हूँ शेख। और मेरा नाम है? मैं हूँ खिन। खिन? मेरे साथ चलिए। दरअसल कोच ने मुझसे कहा है कि मैं आपको चिनलॉन दिखाऊं। हैं? चिंगचोंग? चिनलॉन। ये सोलिनेशिया की एक प्राचीन बॉल गेम है। सारे प्लेयर्स सर्कल में बॉल पास करते हैं। इनके मूव्स कमाल के होते हैं, पर बॉल को हवा में ही रखना होता है। ओह, हम इतनी दूर से एक ऐसी गेम सीखने आए हैं जिसे घास की बॉल से खेला जाता है। चिनलॉन के सिर्फ 3 ही नियम हैं। सिर्फ 3? जब तुम ये 3 नियम सीख लोगे, सुपर स्ट्राइकर्स और बेहतर टीम होगी। डर मत शेख, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। आहा, चिनलॉन कोई कॉम्पिटिशन नहीं है फाइटर। टीम आपस में ही कम्पीट किया करती है बेहतर मूव्स और ज्यादा देर तक खेलने के लिए। मैं अच्छा खेलता हूँ, अच्छे मूव्स करता हूँ, मैं खेलता ही रहूंगा बिल्कुल अकेले। हमें इसकी मदद करनी है। वैसे ये गेम बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इससे पहले कि हम खुद को शर्मिंदा करें, यहाँ से चलते हैं। तू पागल हो गया क्या? ये गेम तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। पहला नियम, हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त आपकी ओर आ सकती है। मैं बोर हो गया था दोस्त। बॉल आ रही है। हाँ हाँ शेख, मुझे पता है। अच्छा कर रहे हो। अब दूसरा नियम, संपर्क करना, पास में ही अपना संदेश देना। शेख, तेरे पास में मैसेज मिला और वो मैसेज था गोल कर। ओह, कोच ने कहा था मामला सीरियस है, पर ये तो उससे भी बदतर निकला। बिल्कुल सही कहा। आहा, तुम लोग चिल्लौन खेल रहे हो। आपको पता है ना, बाहर से आए हुए चिल्लौन नहीं खेल सकते। हमने वार्निंग दी थी, आपको वापस जाना होगा। रुको, तीसरा नियम क्या है? अरे ये क्या है? ये बहुत ही आसान होगा। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले कि हम अच्छी तरह से सीख पाते, हमें वहां से निकाल दिया गया। कल हाइड्रा के साथ हमारा मैच होने वाला है, और फाइटर ने अपने टीममेट्स को अपने खिलाफ कर दिया है। वो वापस सबका दिल जीत लेगा। एक तो अजीब से देश में भेज दिया जहां फुटबॉल तो खेल सकते हैं मगर गोल नहीं मार सकते, और वहां से भी निकाल दिया गया, वो भी। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ही कुछ करेगा, वरना मैं उसे खेलने नहीं दूंगा।
मैं जानता हूँ चिनलॉन मेरी मदद करेगा, मगर ये नहीं जानता कि कैसे। बस याद रख कि किन ने क्या बताया था। यही कि हम चिनलॉन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अरे आज सबके सब मेरे ही बैग के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो किन और अब तू। ओए फाइटर, किन ने नियम के कागज तेरे बैग में रखे थे। ओ अब चल टीम के पास चलते हैं। तो वहां से सोवेनियर्स ले आए हैं ना? अब हमें जलाओ मत, हमें पता है तुम दोनों ने वहां मिलकर बहुत मजे किए होंगे। हम दोनों सोलिनीजिया यही सीखने तो गए थे, तीन कागज चिनलॉन के तीन नियम। वाह कमाल है। अरे वाह, ये तो चिनलॉन मॉन्क्स की बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइंग है। हम दोनों तुम सबको सिखा सकते हैं। पहला नियम है हमेशा तैयार रहना, बॉल किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती है। हमें एक असली मॉन्क ने ये सब सिखाया है और अब मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा। दूसरा नियम है पास करने में ही अपना मैसेज देना। मतलब बॉल पर कुछ लिखना है? नहीं, पास करते वक्त अपनी बात पहुंचानी है। ओ, तो इसका मतलब बॉल पर कुछ नहीं लिखना। हाँ, बॉल पर कुछ नहीं लिखना। समझ गया। अब मेरा सबसे फेवरेट नियम, तीसरा नियम है, एक ही मौका मिलता है उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले अच्छा खेलना सीखो और उसके बाद अच्छे अच्छे मूव्स करो। अब देखो मेरा कमाल। वो तूने ये कैसे किया शेख? बहुत कमाल कर दिया शेख। तू तो ब्रेक डांसर की तरह दिख रहा है यार। देखा ना, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो वो चिनलॉन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फैंस के सामने मिस्टर फाइटर तो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। मैच का दिन आ गया है। आज के मैच को लेकर देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स के गोल बनाने वाले प्लेयर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। बस यही उम्मीद करो कि आज के मैच में वो थोड़ा और मिलजुल कर खेले, अगर नहीं तो हाइड्रा जरूर जीत जाएंगे। आप जान गए होंगे हमें वहाँ जाकर फायदा हुआ कोच, प्रैक्टिस में फाइटर चिनलॉन चैंपियन बन गया था। कुछ कह नहीं सकते, बस आप देखते जाइए। अगर आज वो ठीक से नहीं खेला तो आगे भी नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। फाइटर, हेलो, जाग जा बच्चू, अब देख हम तुझे कैसे हराते हैं। इस टीम में रहने के लिए मुझे स्कोर करना ही होगा, इससे मेरे फैंस भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चिनलॉन की राह पर चलने के लिए तैयार है ना दोस्त? ये फुटबॉल है शेख, चिनलॉन नहीं। मुझे जी जान से खेलना होगा, बहुत सारे गोल्स बनाकर कोच को दिखा दूंगा कि अब भी सुपर स्ट्राइकर्स का टॉप स्कोरर मैं ही हूँ। ओह नो, फाइटर बॉल को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास कर फाइटर, पास। कोच को ये मूव जरूर पसंद आएगा। लगता है फाइटर ने पिछले मैच से भी कोई सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, एक बात याद रखना, तेरे फैंस की वजह से इस बार तू चिनलॉन की राह से भटक मत जाना। और बॉल जो के पास, जो आगे बढ़ रहा है। प्लीज हमें गलत साबित कर दे दोस्त।
उसने फाइटर को पास दिया और फाइटर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं वो किसी को पास क्यों नहीं कर रहा। वो सही अंदाज नहीं लगा पाया। वो क्या सोच रहा था? इतनी बेहतरीन टीम में एक बुरी कड़ी आने की वजह से कहीं ये पूरी की पूरी टीम ही बिखर कर ना रह जाए। शॉ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाइड्रा टीम के डिफेंडर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शॉ का गलत पास। कैप्टन शॉ ने बॉल अपनी तरफ भगाई। हाइड्रा का गोल। सुपर स्ट्राइकर्स में टीम वर्क की कमी नजर आ रही है। हाइड्रा एक गोल से आगे है पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद को ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। पर लगता है एक हाइड्रा प्लेयर जख्मी हो गया है। क्या कर रहा है फाइटर? हर बार जब भी तुझे बॉल मिलती है तो शॉट क्यों मार रहा है? हाँ, गोल बनाने से ही मैं इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। नहीं, टीम के साथ खेलने से ही तू टीम के लिए फायदेमंद बनेगा। हमने जो सीखा है वो याद कर। आई एम सॉरी। देख, अभी सब खत्म नहीं हुआ है पर हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो हम एक टीम है या नहीं? सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है। एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। बस मुझे बताते जा कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगा। और एक बार मैच फिर से शुरू। कैप्टन रास्ता ने पास किया जो को, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस पास किया कैप्टन रास्ता को। बॉल अब फाइटर के पास। बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए और पास किया शेख की तरफ। शेख ने कुछ नया शुरू कर दिया है। हाँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वो स्पेशल फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल तैयार रहो, बॉल तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकती है। बॉल क्लॉस के पास से कैप्टन रास्ता के पास। पास में अपना मैसेज भेजो। बस एक मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। जो ने पास किया टाइगर को और टाइगर ने गेंद हवा में ऊंची उछाली। फाइटर! और ये शेख का हेडर। अब कौन किक मारेगा इस बॉल को? और ये फाइटर के एक्रोबैटिक किक, शेख हवा में उछला और ये बढ़िया पास टाइगर को। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। फिर से बॉल टाइगर के पास और जो अब आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अब बॉल आ गई है फाइटर के पास। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फाइटर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पास दिया कैप्टन रास्ता को। I am very sorry, coach. मैं आज एक भी गोल नहीं कर पाया। हम एक टीम की तरह खेले और जीते, बस यही मायने रखता है। तो क्या मैं अब भी एक सुपर स्ट्राइकर हूँ? हाँ, बिल्कुल हो। एक बात बताओ, ये कमाल का गोल फॉर्मेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सोलिनीजिया से। सो क्या? ये कोच का आइडिया था और क्या। तो यहाँ गेम खत्म होता है, अब वापस चलते हैं स्टूडियो। सोलोनीजिया। ओहो, चिनलॉन। अब बस एक काम करना रह गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं शेख? सोलोनीजिया वाले दोस्त की अमानत वापस करने। तो क्या हम केन से मिलेंगे? वो केन है। केन? हाँ, वही सही। पर क्यों? इस बार हम वहाँ पर बैठकर चिनलॉन तो नहीं खेलने वाले हैं ना? यार तू सवाल बहुत पूछता है। तो जवाब भी दे देना। रियानो के साथ खेलने के लिए बेचैन हूँ। पता है
मैंने तुम दोनों को कंपेयर करता हुआ एक प्रोग्राम देखा। अच्छा, उसमें कह रहे थे कि गोल्स की बारिश होने वाली है। सबसे ज्यादा गोल्स कौन बनाएगा, क्या वो रियानो होगा या फिर स्ट्राइकिंग का बादशाह शेख होगा? और उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। कोच, आप क्या सोच रहे हैं? इस तरह का प्रेशर शेख को बहुत भारी पड़ेगा। शेख, बहुत ऑटोग्राफ साइन कर लिए, अब चलना यार। कम ऑन शेख, अब चल, भी प्रैक्टिस करनी है, बस हाथ हिलाते रहे और चलते रहे। एक और बार शेख, ठीक है ये ले जो। शेख, तेरा जवाब नहीं दोस्त। We love you, Sheik. तू एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? अभी नहीं, थोड़ी देर और। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ, इससे बात बनेगी। मिस्टर गुलारे, आप तुम करके देखो। मेरा पुराना दोस्त। बॉयज, ये हैं बारका के स्ट्राइक कोच। सुपर लीग में इन जैसा बेहतरीन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं। नहीं, दरअसल वो क्या है कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। क्या? नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास एक नया काम है, शेख को तैयार करना रियानो से मुकाबला करने के लिए। सोचो गलोरे, शेख बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसे ट्रेन करोगे तो तुम एक बार फिर से अपनी पहचान पा सकते हो। जस्ट ट्रैप, हल्का सा टच बाएं पैर से, नहीं नहीं दाएं पैर से, नहीं नहीं पहले हाँ चेस्ट, फिर घुटना। ठीक है, रियानो के पुराने मूव्स की फाइल, मैं इनका इस्तेमाल करके शेख को ट्रेन करूंगा। वो बारका को धूल चटाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि रियानो ने मुझे निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें ये फॉर्मूला ठीक ऐसे ही इस्तेमाल करना है, वरना ये फील्ड पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुनने में तो आसान लगता है। ऐसा क्या, यही तो रियानम। ओ कुछ नहीं, वन टू थ्री फोर एंड बहुत अच्छे। जब शेख स्कोर करेगा तो रियानो को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अब असली टेस्ट। तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा खेले शेख।
थैंक्स। बस देखते जाओ, रियानो से सामना होने के पहले मैं तुम्हें और भी कई सारे मूव्स सिखा दूंगा। और मूव्स? वाह, अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, कल तुम इसी तरह खेलना और तुम जरूर जीतोगे। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा गुलारे ऐसा कर रहे हैं। पर हम जान गए हैं शेक क्या करने वाला है। ये सही नहीं है। मैं रियानो कल असली शेक के साथ खेलना चाहता हूँ। पर रियानो रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे घर कौन ड्रॉप करेगा? पता नहीं आज मैच में क्या होने वाला, देखते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस पूरी कर रखी है, तुम्हारा क्या? शेक, अरे ये देख, आज का सवाल है सबसे महान कौन है। तू तो फेमस हो गया यार। ज्यादा सोच मत दोस्त, तैयार हो जाओ टीम। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। तो दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसा मुकाबला कभी कभार होता है। आज दो स्ट्राइकर्स के बीच जंग है, रियानो और शेक। उम्मीद है तुम अपने हुनर के बल पर खेलोगे। बारका टीम को हराने के लिए सिर्फ नए मूव्स ही काफी नहीं है बच्चे। अब वक्त है रियानो को दिखाने का कि स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं। और जो बड़ी ही खूबसूरती से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शेक को पास। मैं ड्रिबल करूं? नहीं नहीं, या मैं चिप करूं? नहीं। अरे शेक, सेंटर में पास कर यार। पीछे जाओ, पीछे। अरे हाँ, जवाब मिल गया। टाटा, तुम सोचते ही रहो। वॉलिटो ने बॉल छीन ली और दे दी रियानो को, और अब बॉल रियानो। रियानो आगे तेजी से बढ़ रहा है, ब्लॉक बीच में खड़े ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। खूबसूरत पास, फिर से वापस रियानो के पास। मारना, मैं तैयार हूँ बच्चों। शॉ, बीच में से हटो, मुझे बॉल दिख नहीं रही। बारका का गोल। रियानो ने एक बार फिर अपनी स्ट्राइकिंग का जलवा दिखा दिया है, और बारका एक गोल से आगे बढ़ चुके हैं। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा चुका है, पर कैप्टन रास्ता ने बॉल छीन ली। बारका की पूरी कोशिश। एक गोल हो चुका है, अब शेक को तैयार रहना होगा। शो की बढ़िया किक और सीधा शेक के पास। क्या बात है, शायद शेक कोई नई टेक्निक सोच रहा है। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। शेक, सोच मत, पास कर। और शेक ने पास दिया फाइटर को, और ये बहुत ही बढ़िया किक, और ये इससे पहले इस तरह से कभी नहीं खेला करता था। वो फॉर्मूला पर चल नहीं रहा है, उसे स्कोर करने के काफी मौके मिले थे। अरे चलता है यार, देख हम अब भी साबित कर सकते हैं कि तू इस लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। हाँ, मेरे बाद ऑफ कोर्स। मैं आज फील्ड पर कुछ कर ही नहीं पाया। अरे मेरी बात मान, तेरी खराब परफॉर्मेंस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे पक्का यकीन है फाइटर? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने भी टीवी पर देखा, तू अच्छा खेल सकता था स्पेंजा। तू तो ऐसे खेल रहा था जैसे तूने पहले कभी खेला ही ना हो स्पेंजा, खासकर तब जब तेरी नाक के नीचे से बॉल ले ली गई स्पेंजा। क्या है,
मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, तो हुआ क्या था? मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे अगले मैच में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तैयार हो जाओ शेख। शेख कहाँ चला गया? हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। तो तुम आखिरकार जाग गए हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉल मेरे सर पर लग सकती थी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं होने देते, सवाल ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये हुई ना कुछ बात। रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। तुम इससे भी अच्छा खेल सकते हो, कम ऑन। इतनी जल्दी नहीं। शेख गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसने गोल पर कड़ी नजर रखी है, डिफेंडर पूरी तरह तैयार है, क्या ये स्कोर कर पाएगा? अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा मुकाबला सिर्फ असली टैलेंटेड शेख से हो। फील्ड पर मिलते हैं शेख। नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं करना है। पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर स्पिन वन टू, उसके बाद शूट। यूं ही खड़े मत रहो। चलो थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे वहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं रियानो को हरा सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी और का ही खेल खेल रहा हूँ। जरा ये सब देखिए, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेख को सिर्फ रियानो के मूव सिखा रहे हो? ये सही है, तुम भी बिल्कुल सही हो। मैं वाकई एक फेलियर हूँ। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था। ग्लोरे, रुको। जाने दो कोच, रियानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, मेरी मेहनत, ये तुमने क्या किया? रुको, शेख को रियानो के मूव सीखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है ग्लोरे। शेख को तुम्हारी जरूरत है उसके अपने मूव्स तराशने के लिए। चलो अभी मेरे प्यारे दोस्त, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो दोस्तों एक बार फिर मैच का दिन आ गया है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है और पैर रखने की भी जगह नहीं है। सच में आज तो रिकॉर्ड तोड़ फैंस आए हैं। रियानो और शेख का दूसरा मुकाबला बस कुछ ही देर में। आज मेरे साथ है आप सबके चहीते रियानो। पिछले मैच में शेख बारका के सामने टिक नहीं पाया था, आज तुम्हें से क्या उम्मीद है? ऐसा है बेन कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है, जो जितना अच्छा खेलेगा वही अच्छे स्कोर से जीतेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पार्क में क्या कहना था। मैं तुम्हारे खेलने का असली स्टाइल देखना चाहता था। पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मदद मुझे जिता सकती है? तुम पार्क में अच्छी तरह खेले उसका कोई मतलब नहीं, तुमने अब तक यहाँ कोई गोल नहीं किया है। तुम सही हो, मैंने गोल नहीं किया है अब तक। तो तुमने गुलारे को निकाल दिया? ये बात हम बाद में करेंगे। शेख पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा है। बोलिटो का अच्छा टैकल और रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये खतरनाक हो सकता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये गोल! रियानो का पहला गोल,
सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स धूल चाटते रह गए। बॉल शेक के कंट्रोल में और ये शेक ने किक मारी और ये गोल होते होते रह गया। दोनों टीमों में टेंशन बढ़ता जा रहा है। बार का स्ट्राइकर का बेहतरीन फुटबॉल, क्या वो गोली को चकमा देकर एक और गोल कर पाएगा? जीत गए हो। 45 मिनट बचे हैं शेख, शायद अब तुम्हारे कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। अगर ये बॉल मेरी ओर पास करे ना तो फिर मुझे पता है तुम कर सकते हो। पार का इस वक्त लीड में है, 2 गोल से आगे चल रहे हैं और शेख ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। खोला ही होगा, हम कैसे कह सकते हैं। शेख को सेकंड हाफ में स्कोर बोर्ड पर अपना खाता खोलना ही होगा। और टाइगर ने पास दिया जो को, जो की शानदार किक। अब बॉल है शेख के पास। शेख फिर से कंफ्यूज लग रहा है, पता नहीं क्यों। आखिरकार ये चल पड़ा है, मिडफील्ड से आगे बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। मुझे इसी शेख का तो इंतजार था। वो तूफान की तरह खेल रहा है, वो बिल्कुल अकेला है और ये गोल। शेख का खाता खुल गया, पर जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को 2 गोल और करने होंगे और वक्त निकलता जा रहा है। डूड, देर आए दुरुस्त आए। तू फिर से पहले जैसा हो गया। कमाल हो गया, अब आएगा मजा। शेख ने बॉल चो को पास की। शेख क्रॉस के लिए साइड पर खड़ा है। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ। और ये बेहतरीन हेडर। 2 गोल करके सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। मैच खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और रियानो एक और गोल करके पार्का को जिता सकता है। पार्का बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉल शॉ के पास आ गई है। अरे नहीं, वो तो रियानो ने बॉल ले ली और उसने किक मारी और ये गोली का बेहतरीन सेव। शेख अपनी टीम को जीत दिलाने से सिर्फ 1 गोल दूर है और खुद को बेहतरीन स्ट्राइकर साबित करने से भी। फाइटर, क्या उल्टा घूम जा और पुतले की तरह खड़े हो जा। क्या? और माफ कर देना दोस्त। वाह, क्या गोल किया है शेख ने या फिर फाइटर ने। अब सुपर स्ट्राइकर्स 3 गोल करके आगे निकल गए हैं। आज तो जांबाज स्ट्राइकर्स की असली जंग थी। तुमने मेरी काबिलियत पहचानने में मेरी मदद क्यों की? मुझे बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना था, असली शेख के साथ। मैं समझ गया। अच्छा हुआ जो तुमने गोलारे को निकाल दिया। नहीं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। कोच, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कर। बस करो, हर कोई कभी ना कभी अपने रास्ते से भटक जाता है, पर तुमने तो हमारी गेम को और भी उभारने में हमारी मदद की है। मुझे लगा कि आप में कुछ भी नया नहीं बचा था। शेख, आज की जीत का ताज तुम्हारे सिर पर है। लेकिन फाइटर तो पहले से ही इसमें बिजी हो गया है। किसे पता था कि एक सुपर स्ट्राइकर हम दोनों के बीच की दूरी मिटाएगा? क्या आपके पास अभी भी मेरी दी हुई गोल्डफिश है? वो भी हाँ है ना, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोच गुलारे की मदद से सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली है। मैच रोमांचक चल रहा है और ये बेहतरीन हेडर। शेख का दूसरा गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो हाइड्रा को पछाड़ते जा रहे हैं और ये कैप्टन रास्ता बॉल को छीनते हुए आगे बढ़े। कमाल का पास है, फाइटर अपना जलवा दिखा रहा है।
सुपर स्ट्राइकर्स साबित कर रहे हैं कि वो क्यों सुपर लीग के सबसे बेहतरीन क्लब्स में से एक है। सुनो नकल्स, एक बात कहूँ? क्या? तुम तो टीवी वाले उस बिग बो जैसे ही दिखते हो। नहीं, सच बोल रहा है? हाँ हाँ, खुद ही देख लो। जब मैं अमेच्योर फुटबॉल खेलता था तब भी लोग मुझे यही कहते थे। तुम फुटबॉल खेलते थे? हाइड्रा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुपर स्ट्राइकर सामने वालों को एक भी गोल करने देंगे? हाइड्रा की एक और शानदार किक और एक बॉल को फिर से बचा लिया गया। लगता है आज बिग बो का दिन है। क्या बात है, कमाल का सेव। बिग बो ने उनका एक भी गोल नहीं होने दिया। मुझे ऑपोजिशन के स्कोरबोर्ड पर जीरो देखना बहुत अच्छा लगता है। हे नकल्स, तुम्हें प्रिजन 11 फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा? तुमसे काफी मदद मिलेगी उनको। वैसे भी तुम अमेच्योर फुटबॉल तो खेल चुके हो। अगले महीने टीम को ट्रेनिंग देने के लिए बिग बो यहाँ आने वाला है। वो तुम्हें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाएगा अपने जुड़वे भाई से मिलकर। पता नाम कहाँ लिखवाना है। वेलकम बिग बो, आने के लिए थैंक्स। मुझे खुशी हुई सर। हाय, मैं हूँ गोली। हाय, मैं हूँ गोली। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे वो तो बिल्कुल पता है, वो इसकी कार्बन कॉपी है। शायद मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल ही गया। ओके, अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। ये क्या है? किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज के लिए इतना खेल काफी है। सब अपने अपने सेल्स में जाओ। सामिंग यूनाइटेड और एफसी कलोसस के साथ होने वाले हमारे सुपर लीग मैचेस के लिए आज मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। I love you. मेरा मतलब I love you, दोस्त। सही कहा। सोनो नकल्स, जल्दी से ऑटोग्राफ लो और चलो यहाँ से। गोली, तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, पर जरा जल्दी करना। कैदियों को आपका वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है वो सोचते होंगे कि काश वो आप जैसा जी पाते आजादी से। और आप जितनी शोहरत के साथ, है ना मिस्टर बो? हाँ ठीक है, इस कार के रुकते ही मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा। घर आ गया मिस्टर बो? अरे वाह, वेलकम बैक सर। जो का फोन आया था, आज रात क्लब में एक प्राइवेट पार्टी के बारे में बता रहे थे। आपका किट मैंने साफ कर दिया है और वो कल की गेम के लिए तैयार है। और आज सुबह ही 100 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी भी आपके कमरे में इंस्टॉल हो गया है। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उसमें दुनिया की हर सैटेलाइट चैनल लगा दी गई है। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। मैं कहाँ हूँ? हेलो नकल्स। क्या, कौन? मुंह बंद करके सो जाओ नकल्स। मैं नकल्स नहीं हूँ,
मैं बिग बो हूँ। मैंने कहा चुप रहो नकल्स, वरना मैं वहाँ आकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। अगर तुम नकल्स जैसा ही बर्ताव करोगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। आज भी हो जाए बिग बो। पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये खेल शुरू। आज सुपर स्ट्राइकर सोमिंग यूनाइटेड को पलक झपकाते ही मात दे देंगे। ऑटोग्राफ बोल रहे हैं। शायद हम यहाँ गेम खेलने आए हैं दोस्त। हाँ अभी आया दोस्त। इसे क्या हो गया? सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को फ्री किक। और ये आगे बढ़ के स्टार किक मारी और ये सीधी बॉल गोल के अंदर। शेफ ने टीम का खाता खोल दिया और वो भी पहले मिनट के अंदर ही। क्या कर रहा है तू? बॉक्स के बाहर क्या हो गया तुझे? तो अपनी पोजीशन से काफी दूर है। वो तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहा होगा। आखिर वो बिग बो है। और ये बढ़िया किक सोमिंग यूनाइटेड की। लगता है गोल होने वाला है पर शॉ ने गोल होने से बचा लिया। और ये शॉ का एक बेहतरीन डिफेंस। वो तुझे क्या हो गया है? बॉल टाइगर के पास। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। टाइगर ने पास किया शेख को। टाइगर की शानदार किक और बॉल गोल के अंदर। का दूसरा गोल। और ये सोमिंग यूनाइटेड के स्ट्राइकर की लाजवाब किक। बहुत अच्छी कोशिश लेकिन शॉ ने फिर से बचा लिया। लॉन्ग और शॉ दोनों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। वो दोनों तो बिग बो का भी काम संभाल रहे हैं। लेकिन अब आमना सामना है स्ट्राइकर और गोलकीपर का। और ये गोल। सोमिंग ने भी अपना खाता खोल लिया है। सोमिंग ने तो बिग बो को शर्म से पानी पानी कर दिया इतना आसान गोल बनाकर। आउच! बिग बो के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। सॉरी, आज तेरा दिन नहीं था बिग बो। हाँ सही कहा। नहीं मेरा मतलब मुझे तो इसकी आदत हो गई है। क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हम चलते हैं बेन जेड के पास जो मशहूर सुपर स्ट्राइकर गोलकीपर के बारे में बताएंगे। बेन, रॉब, आज फील्ड पर बिग बो बद से बदतर हो गया। आज वो बिग बो नहीं था जिसे हम सब जानते हैं। अरे छोड़ो उसे, चलो प्रैक्टिस करें। तो क्या कहते हो? अगर बिग बो ऐसे ही खेलता रहा तो कुलोसस को सुपर स्ट्राइकर्स को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग में मदद कर देता हूँ। तो फिर नकल्स हमारी टीम में है। नकल्स? मैं नकल्स नहीं हूँ। तो फिर ये साबित करो बिग बो। मैं ये कैसे साबित करूँ कि मैं ही असली बिग बो हूँ? बॉल से उस सिक्योरिटी गार्ड की टोपी उड़ा दो। सॉरी दोस्त। सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। क्या हमें भी सिखाओगे? हमें भी अपनी तरह खेलना सिखाओ ना प्लीज। हम भी सीखना चाहते हैं। क्या तुम सब वाकई ये गेम सीखना चाहते हो? ठीक है, वैसे भी मुझे शेप में रहना होगा ताकि यहाँ से निकलते ही मैं गेम के लिए तैयार रहूँ। यहाँ से निकलते ही भूल जाओ, नकल्स की किस्मत अच्छी थी। दिमाग लड़ाओ। अटेंशन अटेंशन, अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी फील्ड में प्रिजन 11 टीम एक असली मैच में हिस्सा लेने के लिए चुन ली गई है। गुड लक। यूनिवर्सिटी फील्ड तो स्ट्राइकरलैंड के पास ही है। रेडी बिग बो? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। Ah! Yeah!
कोलोसस एक बहुत ही मजबूत टीम है। हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर हम जितना भी जानते हैं उस सब का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हमें सामने वाले की हर कमजोरी जाननी होगी। याद रखना, तुम सुपर स्ट्राइकर्स। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये तो सुन भी नहीं रहा है। प्लेयर पर निर्भर नहीं है। मैं सही हूँ। हमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुपर लीग के आज तक के सबसे बड़े मैच की तैयारी करनी है। सुपर स्ट्राइकर्स और कोलोसस का मैच अगले वीकेंड पर है। हमारा मैच भी उसी दिन पर है। बिग बो को निकाल दिया क्या? नकल्स की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स हारने वाले हैं। हम तुम्हें भागने में मदद करेंगे। फिर तो हमें अभी से काम पर लग जाना होगा। मैच शुरू होने वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सुपर स्ट्राइकर्स का सब्स्टिट्यूट गोलकीपर नोहा मर्डॉक एफसी कोलोसियस के सामने खेलने का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं? अब ये कौन कह सकता है, ये तो देखकर ही पता चलेगा। गो सुपर स्ट्राइकर्स। खैर, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मर्डॉक की आना निकल जाए, वरना। मैं हूं बेन जेड, रिपोर्टिंग लाइव सीधे स्ट्राइकर लैंड से। अरे यार, मैं तो नए बिग बो के साथ खेलने के लिए बेचैन था। सच यार, मर्डॉक काफी अच्छा गोलकीपर है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा। वैसे अगर वो ज्यादा अच्छी तरह खेला तो हमें बस बिग बो को फिर से फील्ड पर लाना होगा। आई एम श्योर कुछ देर बाद कोच तुझे खेलने देंगे। ए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारी जीत ज्यादा जरूरी है ना? तो शेख, आज तू खेलेगा या ऐसे ही खड़ा रहने वाला है? यूं ही खड़े खड़े गोल्स नहीं होते दोस्त। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो बिग बो है। शेख, पागल हो गया है क्या तू? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। शेख, तू बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पर अभी तू उस सब की फिक्र छोड़ दे। अभी हमें मैच जीतना है। अगर हमारे एक दो गोल हो गए तो मैं शायद तुम्हें खेलने दूंगा। आज जो भी है सर। तब तक तुम अपने ग्लव्स उतार सकते हो। नहीं, दरअसल मैं पूरी तरह तैयार रहना चाहता हूँ। वापस मुझे दो। तुम लोग वाकई बहुत अच्छा खेले। अरे नकल्स कहाँ है? मुझे नकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नकल्स भाग क्या है? आई रिपीट, नकल्स भाग क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स के बैकअप गोलकीपर का बेहतरीन सेव। अब तक नोआ मर्डॉक ने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। ओह, और ये बढ़िया सेव। गोली को वापस गेम में लाने का वक्त आ गया है। बेहतरीन किक, बॉल हवा में और मर्डॉक भी हवा में। मर्डॉक को काफी चोट लगी है और लगता नहीं कि वो आगे और खेलने की हालत में है। सुपर स्ट्राइकर्स को अपने नंबर वन गोलकीपर को वापस लाना होगा। उम्मीद करो कि वो पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस ना दे। और इसके साथ ही बिग बो एक बार फिर गोल पोस्ट पर आ चुका है। बेहतरीन किक और ये सीधा, ओहो, गोल होते होते बच गया। ओ नहीं, मैं गलत था।
सुपर स्ट्राइकर्स का दिन खराब है। क्लोसस ने एक गोल की बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही क्लोसस दो गोल से आगे हो गया है। आज सुपर स्ट्राइकर्स की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है। उम्मीद करो कि ब्रेक के दौरान उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। इस तरह तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे कोच। हे बिग बो, फर्स्ट हाफ अच्छा रहा। क्या तू सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे पता था तू बिग बो नहीं है। तुम? मैं? नहीं 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 नहीं, मैं बिग बो। तू वापस आ गया हा? लेकिन हुआ क्या था और वो कौन था? एक मिनट, वो कहाँ चला गया? समझाने का वक्त नहीं है। ये बता स्कोर क्या हुआ है? 2-0, हम पीछे हैं। तो चल अब स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो अभी 2 मिनट पहले ही बाहर गया था ना। दोस्तों अभी समझाने का वक्त नहीं है, बस इतना जान लो कि वो दूसरा आदमी एक बहरूपिया था। असली बिग बो तो मेरे साथ खड़ा है। चलो चलकर अपने जलवे दिखाते हैं। आ जाओ टीम, 1-2-3 सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है ब्रेक में किसी ने बिग बो को जगा दिया है। आज मैच में पहली बार वो अपनी तरह खेल रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ गया है। और ये बॉल शेक के पास, बेहतरीन किक, बॉल फाइटर के पास उसने किक मारी और गोल। और सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। सरदार बचाओ, बिग बो को चकमा देना किसी के बस की बात नहीं है। और उस थ्रो से सुपर स्ट्राइकर्स अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। बॉल ऊपर गई, शेक आगे बढ़ रहा है और ये बेहतरीन हेडा, गोल। सुपर स्ट्राइकर्स ने स्कोर टाई कर दिया है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह खेलने की वजह से इन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन्हें स्कोर करने के लिए अपनी जी जान लगानी होगी। बचे हुए 3 मिनटों में अब बिग बो को बस गोल रोकते रहना होगा ताकि गेम ड्रॉ में खत्म हो। यकीन नहीं होता, लगता है कि जैसे वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा। कैप्टन वापस मुझे दो। बिग बो के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बस वो तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। गोल के नजदीक और ये शानदार किक। सुपर स्ट्राइकर्स के गोलकीपर ने तो कमाल ही कर दिया। बिग बो का जवाब गोली, सच में अच्छा हुआ कि तू वापस आ गया। तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। वेल, ये सब उस टीम की बदौलत हुआ जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। पर इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उप्स, एक जरूरी काम तो रह ही गया। हेलो पुलिस, शायद मुझे पता है आपको वो कैदी कहाँ मिलेगा जो आज दोपहर को प्रिजन फुटबॉल मैच से भाग गया था। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। वो गोली इतनी जल्दी कैसे भाग निकला और आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता। चलो गुड नाइट दोस्त।